आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच आया है आरपी भारत। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। बूथ जीतो चुनाव जीतो की नीति के तहत पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र की कलपाड़ा मोहल्ले के अलावा विभिन्न वार्डों में भाजपा ने नगर भाजपा नेत्री मीरा प्रवीण सिंह के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया एवं संबंधित वार्ड के स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर उनसे इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बेड़ी प्रसाद गुप्ता के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अनियंत्रित हाईवा हुआ दुर्घटनाग्रस्त। लातेहार जिले के बालुमा टंडवा रोड में अवस्थित बालुमाथ प्रखंड के जदी ग्राम के पास एक हाईवा अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहां तो के हाईवा कुंडी की तरफ से बालुमाथ की तरफ आ रहा था, तभी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज धनबाद विधानसभा के डोरंडा मैदान पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को बगोदर विधानसभा क्षेत्र के बिड़नी स्थित केंदू व टांड मैदान में पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। वहां भाजपा नेताओं ने सबसे पहले 91 किलो का माला पहना कर उनका स्वागत किया। रांची जिला के कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समीर लाल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुड़मू स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभा को आज किया संबोधित। कार्यक्रम में मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ एवं विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम व कांके प्रत्याशी समरी लाल भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे। जरिया बाबूलाल मरांडी से घबराई भाजपा सरकार अब सभा को रोकने में लगी हुई है, लेकिन जिस जनता के दिल में बाबूलाल बसे हुए हैं उस जनता को वोट देने से कैसे रोकेगी योगेंद्र यादव। आज झाबुआ जरिया प्रत्याशी योगेंद्र यादव ने किया तूफानी जनसंपर्क। गुमला में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में शौर्य दिवस व गीता जयंती के शुभ अवसर पर कार्यकर्ताओं ने साहसिक शोभा यात्रा का आयोजन किया। बरवाडी प्रखंड का एक ऐसा कड़वा सत्य जिससे कोई भी जनप्रतिनिधि वाकिफ न हो ऐसा नहीं है। हर बार इसे चुनाव का मुद्दा बनाकर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव जनता के बीच जाते हैं। जब चुनाव के परिणाम घोषित होते ही सारे वादे आश्वासन सिफर, जनता के हाथ में फिर वही खाली कटोरा दिखाई देता है। चतरा जिले के ईटखोरी प्रखंड में आजू सिमरिया विधानसभा प्रत्याशी मनोज चंद्रा के पक्ष में उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मोटरसाइकिल रैली वोट डालने के लिए निकाली। लिट्टीपाड़ा प्रखंड धर्मपुर मोड़ के पास चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग किया जाता है, जिसमें डिक्की एवं नंबर ड्राइविंग लाइसेंस देखा जा रहा है, क्योंकि 20 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है एवं जिला चेक पोस्ट पर पदाधिकारी देखने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आरपी भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लाइव खबरें हमारे Facebook पेज आरपी भारत पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।